गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सही बच्चे? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सब बढ़िया होंगे, जमकर लगे होंगे तैयारियों में संघर्ष के लिए। और सबसे पहले आप सब लोगों का फिर से स्वागत है भक्ति करियर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों की डिमांड पर, चूंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्चों को नॉन वर्बल सेगमेंट जैसे कि आपका पीक्यूआरएस, सेंटेंस अरेंजमेंट, मैच द कॉलम, क्लोज टेक्स्ट, ओके, मिस स्पेल्ड, वॉकअप में आ जाए तो देखिए, वॉकअप की वीडियोस तो मैंने भेजनी शुरू कर दी है आपको, ठीक है? शानदार बढ़िया ट्रिक के साथ उनको देखते जाइए। साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको शेयर करना ना भूलें। और बिना वक्त गवाए सीधे आ जाते हैं हम लोग पीक्यूआरएस पर, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए लिखा है, सीखें पीक्यूआरएस के बेसिक्स। ध्यान दीजिए, हर एक लाइन का मतलब है बेसिक्स, मतलब कैसे इनको आप सीखते हैं, किस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिक्स ध्यान से देखना, ठीक है गाइस? सेशन वन बिल्कुल सही, पहला मैंने लिया है। सर बहुत सिंपल है देख के लग रहा है, बिल्कुल बेटा बहुत सिंपल है। मैं तो एक बात कहूंगा, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो भी सिंपल होते हैं, पर ट्रिक्स यहां से सीखना। आंसर पर ध्यान मत देना, ट्रिक क्या है वो देखना कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आइए। अ फ्यू डेज लेटर व्हेन माय फ्रेंड दैट नाइट आई वाज वर्किंग, सब बढ़िया लग रहा है आपको। तो कुछ दिनों के बाद जब मेरा दोस्त, आपने शुरू किया व्हेन माय फ्रेंड, ठीक है, सब्जेक्ट ले लिया। बेटा सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, कहां पर है वर्ब? दैट नाइट तो वर्ब नहीं है, आई वाज भी वर्ब नहीं है, दैट भी वर्ब नहीं है, वर्ब तो ये रहा वॉक। तो बेटा इसको आप पी को आप अगर ऊपर ले रहे हैं, इससे शुरू कर रहे हैं, तो मेरी बात समझिए बच्चों, पी क्यू आर एस में फर्स्ट और जो सिक्स होता है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ बीच के चार सेट करने होते हैं, बीच के सिर्फ चार। बेटा सिक्स तो वहीं रहेगा नीचे, इसको आप वहां लगा ही नहीं सकते, तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि वर्ब ही नहीं है आपके पास। जहां वर्ब दिया है वो सबसे नीचे है और ये बिल्कुल लास्ट का वाक्य है, मेरी बात समझ रहे हैं, अंतिम वाक्य है, ये गलत हो गया ना। अच्छा तो इधर आइए, अब दूसरा सब्जेक्ट देखिए, आई वॉज, यहीं से स्टार्ट करें। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट पर कार्य कर रहा था, ठीक है। अब आपने फिर बोला जब मेरे दोस्त ने, व्हेन माय फ्रेंड, कितनी जल्दबाजी करते हैं आप बेटा, पी क्यू आर एस हो या पैरा जंबल हो, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा भी आपने सेंटेंस ऊपर नीचे लिया या उस स्ट्रक्चर को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मेथड, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे जोड़े जाते हैं, एक वाक्य हमेशा लेफ्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, जिसकी वजह से पूरा पी क्यू आर एस गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो बहुत धैर्य के साथ पढ़िए। आइए बेटा, व्हेन के अलावा यहां पर एक और कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। आज आपको एक बात बता दूं, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे दैट हो जाए, हु हो जाए, विच हो जाए, व्हेन हो जाए, वेयर हो जाए, हुज हो जाए, इन सभी का यूज हमेशा अपने नाउन के ठीक बगल में किया जाता है। ग्रामर सेक्शन में भी आपको दिया जाना है, एग्जाम में भी ध्यान दीजिएगा, ग्रामर सेक्शन में भी और पैरा जंबल में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ग्रामर सॉलिड है, मेरी बात ध्यान देना है ना, तभी आप सब जगह परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो क्लोज टेक्स्ट हो, चाहे वो पी क्यू आर एस है। और इस बात को मैंने हमेशा अपनी क्लास में जब से मैं पढ़ा रहा हूं प्रूफ किया है और अभी भी प्रूफ करूंगा। आइए बच्चों, तो यहां पर रिपोर्ट, रिपोर्ट पे मैं काम कर रहा था, कौन सी रिपोर्ट? जिसको जाना था बेटा, दैट हैड टू गो। तो इसके बाद आएगा हमारा क्या बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हेन से तो काम ही नहीं कर रहा बेटा, दैट हमने ले लिया, आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट दैट हैड टू गो। जब भी आप पैराजंबल करते हैं, जिस सेंटेंस को आप के बाद रखते हैं उसको हमेशा इस तरह से इमेजिन करके देखा करिए, मतलब अपने माइंड में रख के देखा करिए कि किस तरह से वो सेंटेंस चल रहा है, ठीक। तो मैंने इसमें ग्रामर का एक आपको स्ट्रक्चर क्या बताया, बेसिक, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए तो उसको अपने नाउन के ठीक बगल में रखना है, ना कि कहीं और, ये नंबर याद रखना हमेशा। आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट दैट हैड टू गो, जिसको जाना था। अब बेटा देखो, हमने सेंटेंस ले लिया, रिलेटिव प्रोनाउन वाला वाक्य ले लिया, दैट हैड टू गो, हमेशा ध्यान दे स्ट्रक्चर ये कहता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आता है हमेशा, ये तो आप जानते हैं, और या फिर आता है एडवर्ब। क्या ये बात आप जानते हैं, जो बच्चे मेंस या प्री की तैयारी कर रहे हैं, कि वर्ब के बाद सिर्फ पूरी इंग्लिश में दो ही शब्द आ सकते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट होता है या वो एडवर्ब होता है। और अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये भी सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के
क्या है और एडवर्ब क्या है, दोनों में बहुत फर्क है जो मैं बाद में बेसिक लेक्चर में आपको बताऊंगा। चलिए, एडवर्ब तीन जगह होता है बेटा, काम करने का तरीका यानी कि मैनर, काम करने की जगह यानी कि प्लेस, और काम करने का समय। तो यहां पर आइए, आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लिया दैट, डेथ हैड टू गो, इसको जाना था उस रात, दैट नाइट। ये सबसे बड़ी गलती, अगर आप इसको छोड़ देंगे, समझो मैंने अभी कहा ना, अगर PQRS में एक सेंटेंस आप सही ढंग से उसको सेट नहीं कर पाए वाक्य में, स्ट्रक्चर में, वो छूट जाएगा, ये और कहीं लगेगा ही नहीं बेटा। तो ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, काम करने का समय। तो गाइस क्लियर है, दैट हैड टू गो दैट नाइट, जिसको उस रात जाना था, दैट हैड टू गो दैट नाइट, ठीक, क्लियर। अब क्योंकि ये सिक्स में सबसे लास्ट में वर्ब है बेटा, और वर्ब के पहले क्या आता है, क्या आता है वर्ब के पहले, सब्जेक्ट। अब इस वॉक का सब्जेक्ट कौन है, व्हेन माय फ्रेंड, तो यहां पर ये जोड़ दीजिए आप, व्हेन माय फ्रेंड वॉक इनटू माय ऑफिस, तो सही जगह कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो कोई बेकार का कनेक्शन हमने नहीं किया है, सबको सही जगह कनेक्ट किया है। तो इस सब्जेक्ट का, व्हेन माय फ्रेंड का वर्ब था वॉक, जो कि नीचे आएगा, यानी कि पी मुझे सबसे नीचे चाहिए, ये देखो यहां पी दिया है और यहां पी दिया है, इन दो में से एक सही है। अब पिक कर लीजिए आप, आर से शुरू किया है, इन दोनों में देखिए आर दिया है ना, इंटरेस्टिंग। अब देखो ये गलती होती है ना, इन बच्चों ने आर से शुरू किया, लेकिन अगर आपने सीधे बनाया, क्या आर के बाद क्या आना था, क्यू आना था, आई वॉज वर्क, सॉरी आर के बाद क्या आना था, एस आना था, दैट आ रहा है बेटा। तो जिन बच्चों ने लिया आर, आर के बाद क्या आया बेटा, एस, तो आर एस डी आंसर हुआ। अब देखिए जल्दबाजी में कई बच्चों ने अति आत्मविश्वास, सुना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस गेटिंग ना, इसमें गलती क्या करी उन्होंने, सीधे पढ़ा आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट दैट नाइट, है ना इंटरेस्टिंग, आपको भी लग रहा है ना सही है कि मैं रिपोर्ट पर काम कर रहा था उस रात को, और आर क्यू ले लिया, दैट हैड टू गो, ये गलतियां होती है आपके PQRS, एक सेंटेंस जो छूट जाता है उस पर आप ध्यान ही नहीं देते हो, आप तो अपने मन मर्जी एक स्टोरी बनाते हो जो आपको ठीक लगती है, आपको ठीक लगती है भले ही वो ठीक ना हो, isn't it? और इसका कोई भरोसा ही नहीं, दैट हैड टू गो, इसको चेक ही नहीं किया कई बच्चों ने, उन्होंने पी मैच कर लिया, व्हेन माय फ्रेंड वॉक इनटू माय ऑफिस, समझो इस बात को, पी आर के बाद क्यू लगा दिया, एस पे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मैंने क्या बताया, क्या सीखा आज की इस स्टोरी में, कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के ठीक निकट होता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इस वजह से आपका ये PQRS इजी सा दिखने वाला, भले ही कुछ बच्चों ने गलत किया हो, सबने सही किया हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आज सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व अपने आप हो जाएगा, सिर्फ ग्रामर सीखना, ठीक है गाइस, पहला आंसर क्लियर, डी पे आ गया, आर एस क्यू पी। चलिए अब अगला देखें, डी आंसर था इसका। चलिए, टूरिस्ट जो है, फ्लड माने होता है बाढ़ का आना, और टूरिस्टों की भी बाढ़ आती है बेटा, आती है टूरिस्ट की भी, फ्लड सी आती है, टूरिस्ट फ्लड कर रहे हैं इंटू, टूरिस्ट फ्लडिंग इंटू, सब प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ दिए, बिल्कुल सही बेटा। तो टूरिस्ट आर फ्लडिंग, टूरिस्टों की बाढ़ आ रही है कहां पर, इनटू द रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, यही सोच रहे ना आप भी, बिल्कुल गलत, ऐसे गलतियां होती हैं, आओ बताता हूं गलती क्या है, पहले आपके हिसाब से चलता हूं, टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, आपने क्यों ले लिया, तो क्यों से कितने हैं, क्यों से एक ही है, जरा मैच करके देख लो, मुझे तो बताया ना गलती हो गई है, फिर से ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब रहा है आपको पिछले क्वेश्चन की तरह, टूरिस्ट आर फ्लडिंग रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि बाद आर ले लिया आपने, और एंड एडवेंचरस पीपल आर थिंकिंग, थिंकिंग हो गया, आर के बाद एस लोगे, थिंकिंग व्हाट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड, क्या कर रहे हो यार, कोई मैचिंग ही नहीं है, ठीक है, बट थिंक के साथ प्रपोजिशन आती है, क्या आपको नहीं मालूम, या तो अबाउट आती है या ऑफ आती है, जरा देख के चलिए, आइए बच्चों, यहां पर थिंकिंग के बाद प्रपोजिशन कहां दी है, अबाउट, एंड एडवेंचरस पीपल आर थिंकिंग अबाउट द ड्रीम ट्रिप, they would के साथ आता है लाइक, दे वुड लाइक टू टेक दीज प्लेसेस, किस तरह से आपके सर ने चुटकियों में से फिनिश किया, आप भी कर सकते हो, पर क्या करें आपके ओवर कॉन्फिडेंस का, वो बड़ी प्रॉब्लम है ना, गलती हो गई ना, अब देखो छोटी सी गलती क्या करें, ये पूरा गलत हुआ आपका बेटा, पूरा गलत हुआ, क्योंकि बेटा आर के बाद आना चाहिए क्या, पी, आर के बाद पी, दे वुड लाइक टू, तो ये सबसे नीचे है सिक्स, यानी कि आरपी सबसे लास्ट में आएगा बेटा, क्योंकि छठा तो सबसे लास्ट का है हमारा, और आरपी मैच हो रहा है, पी के साथ सिक्स मैच हो रहा है, इतने क्वेश्चंस में आरपी दिया हुआ है, देखिए जरा
आरपी, कहीं आरपी ही नहीं है। अंतर तो ये था ना बेटा, क्योंकि मुझे की बात ये है, ये सिक्स नंबर है लाइक टू और वुड लाइक टू हो रहा है। ये भी एक शानदार ट्रिक है। मैंने कहा ना ग्रामर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक है, जो बड़ी उम्मीदों के साथ इन वीडियो से कनेक्टेड हैं और मेरी इंग्लिश से भक्ति करियर से कनेक्टेड है क्लासेस से, ठीक, कि ध्यान से पढ़ना है बस। आइए गाइस, अब आपने मिस क्या किया मैं बताता हूँ। आपने बेटा डायरेक्ट जोड़ दिया, टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, इसी में कई बच्चे गलती किए थे। अब देखो एक सेंटेंस फिर से छूट रहा है, कौन सा, व्हाट यूज टू। मैंने तो अभी व्हाट यूज टू को यूज भी नहीं किया, तो भी आंसर निकाल दिया ना बेटा आरपी से, ये है ना, इस कॉन्फिडेंस से खेलो, अगर खेलना है तो ग्रामर अच्छी करनी पड़ेगी। आओ बच्चों आपने गलती क्या करी। अभी ठीक पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के पास होता है। तो बेटा आप यहां ध्यान दीजिए, व्हाट यूज टू बी कंसीडर्ड, ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, और ये कहां होता है, अपने मेन क्लॉज के ठीक बगल में। मेन क्लॉज बेटा किसको बोलते हैं हम, जिससे वाक्य शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे इस वाक्य में आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट, ये मेरा मेन क्लॉज था और उसके बाद आ रहा था रिलेटिव प्रोनाउन। तो बहुत ध्यान देना है प्यारे बच्चों आप सभी को कि टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू व्हाट यूज्ड टू बी कंसीडर्ड, ये व्हाट किसका है बेटा, व्हाट किसका है, प्रोनाउन इस मेन क्लॉज का है, व्हाट यूज्ड टू बी कंसीडर्ड। टूरिस्ट फ्लड कर रहे हैं, बाढ़ की तरह आ रहे हैं, किन जगहों पर, व्हाट यूज्ड टू बी वो जगह जिनको माना जाता था, कंसीडर माने समझना मानना, टूरिस्ट फ्लड कर रहे हैं उन जगहों पर, वो जगह जिनको माना जाता था धरती के सबसे दूर दराज के हिस्से। तो बेटा इनटू के साथ रिमोट पार्ट्स तो आएगा, लेकिन उसके बीच में आएगा व्हाट यूज टू बी कंसिडर्ड रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। कनेक्ट कर लीजिए, टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू व्हाट यूज टू बी कंसिडर्ड रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। कनेक्ट हुआ बेटा, तो वही गलती फिर से हुई। पहला काम की ट्रिक कि हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस को अपने क्लॉज के ठीक बाद में रखा जाता है, ये और कहीं सेट ही नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आंसर। तो हमारा पहला आ रहा था बेटा एस, देखो एस आ रहा है पहला, आरपी आ ही रहा है, एस के बाद बाकी आपका ठीक था बेटा जो मैंने बनाया। एस के बाद क्यू, रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब आपने क्या करा बेटा, इस क्यू को आपने पहले ले लिया, बीच में आप एस को खा गए। अब देखो ये एस आर और पी के बीच में आ रहा है, आप खुद बताइए थिंकिंग के साथ अबाउट मैंने सही बताया बेटा, क्या इनके बीच में कुछ आ सकता है, आर और पी के बीच में कोई सेंटेंस नहीं आ सकता ना, तो ये गलत हो गया ना बेटा आपका। तो ये बन गया एस, व्हाट यूज टू बी कंसिडर्ड, क्यू जिनको माना जाता था, रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक, और आर पी हमारा था ही बेटा, एंड एडवेंचरस पीपल आर थिंकिंग अबाउट द ड्रीम ट्रिप दे वुड लाइक टू, ये हो गया हमारा बी सही आंसर। ठीक गाइस नेक्स्ट आ जाइए, द पेन, इस बार आप समझ गए सर, विच रिलेटिव प्रोनाउन, द पेन विच हैज हेल्प मैन, जिसने इंसान की मदद की है, किस चीज में, उद्देश्य बताने के लिए लगता है, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव, द पेन विच हैज हेल्प मैन टू राइज एवर, पेन जिसने इंसानों की मदद की है हम लोगों की ऊपर उठने में, किससे ऊपर, थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है ये भी सही चल रहा है, थॉट्स एंड आइडियाज, टू राइज एवव थॉट्स एंड आइडियाज। फिर से गलती हो रही है ना, क्यों, जब भी गलत होगा एक सेंटेंस छूटेगा, चाहे बेसिक हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम्स अपीयर करें, पता क्या गलती हुई बेटा, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी आपने। आइए, द पेन कहां गए, द पेन, पेन क्या, द पेन इज द व्हीकल ऑफ, बेटा सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी तो आती है बेटा, आपने डायरेक्ट विच लगा दिया ना, द पेन वर्ब क्या है बेटा, यहां पे विच वर्ब नहीं है, टू वर्ब नहीं है, थॉट नाउन है, ये तो लास्ट वाला वाक्य है, द पेन इज द, इंटरेस्टिंग, द पेन इज द व्हीकल ऑफ, नाउन ऑफ नाउन होता है बेटा, नाउन ऑफ नाउन, द पेन इज द व्हीकल ऑफ, अब ऑफ के बाद नाउन चाहिए, नाउन कहां है बेटा, थॉट, थिंक एक वर्ब है और थॉट एक नाउन है, कितनी सरल तरीके से देखिए हम ले रहे हैं इसको, सो द पेन इज द व्हीकल ऑफ थॉट एंड आइडियाज, आ गया। तो हमारा बेटा एक सेट सेंटेंस बना पहले क्यू, क्यू के बाद बेटा अपने आप बन रहा है एस, क्यू के बाद क्या बना, एस,
द पेन इज द व्हीकल ऑफ थॉट एंड आइडियाज. देखो अब एक पूरा सेंटेंस बना. जब मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया तो मैंने क्या बोला, एक रिलेटिव प्रोनाउन अपने मेन क्लॉज के ठीक बगल में लगता है. मेन क्लॉज का मतलब बेटा, फिर से पीछे आते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस. और यहां पर देखिए बेटा, यहाँ क्लॉज ही नहीं है, सिर्फ नाउन दिया है. पेन पेन क्लॉज थोड़ी है. क्लॉज तो जानते हैं बेटा, क्लॉज किसको बोलते हैं, सेंटेंस, वाक्य को ही क्लॉज बोला जाता है. एक क्लॉज वह होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और बाकी के शब्द होते हैं. ठीक है, पहले क्लॉज को बनाए. तो द पेन इज द व्हीकल ऑफ, अब देखो बेटा ये वाक्य ऑफ पे खत्म हो रहा है तो आधे तो छोड़ेंगे नहीं. पेन व्हीकल है किसका, हमारे थॉट एंड आइडियाज का. ये पूरा सेंटेंस बना. मैंने बोला द वॉटर ऑफ, अधूरा है ना सर, किसका पानी, ऑफ दो नाउन में रिलेशन बताता है. तो द पेन इज द व्हीकल ऑफ थॉट एंड आइडियाज. ठीक है, फ्रेज हो गया. अब आएगा विच हैज हेल्प, पूरा फ्रेज आ गया बेटा. अब आएगा विच, आगे आपका तो अपन बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. आप भी गलत नहीं, मैं भी गलत नहीं, लेकिन तब भी आपको मार्क्स नहीं मिले जल्दबाजी की वजह से. सो द पेन इज द व्हीकल ऑफ थॉट एंड आइडियाज. क्यू और एस के बाद क्या आ रहा है बेटा आपका, पी, विच हैज हेल्प मैन. और सब्जेक्ट के बाद आता है टू प्लस वर्ब टू राइज एवव, जिसने आदमी की मदद की है. टू राइज एवव, उठने में. प्योरली सैवेज कंडीशन बन गया बेटा पूरा. तो ये हो गया हमारा क्यू एस पी आर. अब आंसर चेक कर लीजिए कहां दिया है, ए ऑप्शन. देखिए नीचे देखने की जरूरत नहीं है, उत्तर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस से बनाइए. आप क्या करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा खेलते हैं. अच्छा इसलिए नहीं खेलते हैं कि विश्वास है, इसलिए कि हेजिटेशन. ये आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं 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 इसके नीचे ये लगाएंगे, नहीं 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 ऐसे नहीं होता है गाइस. मैं भी तो पढ़ रहा हूँ आराम से, ग्रामर जोड़ता जा रहा हूँ. क्लियर हुआ, तो पेन पहले इसको फ्रेज बनाओ. द पेन इज द व्हीकल ऑफ, ऑफ के बाद नाउन आएगा बेटा. नाउन आ गया थॉट एंड आइडियाज, उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो उसके बाद पूरा वाक्य लेने के बाद विच, और विच हैज हेल्प मैन, मैन के बाद आएगा टू प्लस वर्ब टू राइज एवव प्योरली सैवेज कंडीशन. सैवेज का मतलब होता है बेटा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी हालात में. समझ में आ गया. तो पेन एक ऐसा व्हीकल है जिसमें विचार और आइडियाज का एक व्हीकल होता है, उसका काम करता है ना बेटा लिखने का, जिसने इंसान को हमेशा मदद की है राइज करने में, ऊपर उठने में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कंडीशन से. ये आंसर हो गया गाइस. नेक्स्ट आ जाएंगे. लॉन्ग एगो इन अ डैनिश किंगडम, बहुत साल पहले, बहुत समय पहले एक डैनिश किंगडम में. आइए बच्चों, अब बच्चे सोच रहे सर कहां से स्टार्ट करें, पता है आपको भी. देखो बेटा कंजंक्शन कभी स्टार्ट में नहीं आती, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ती है ना, तो इसको बिल्कुल शुरुआत में आप कभी भी नहीं लगा सकते. ठीक है, हाँ बेटा एक सेंटेंस लेने के बाद आप उसके बीच में ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, है ना. चलिए आइए. लॉन्ग एगो इन अ डैनिश किंगडम हु राइजिंग फ्रॉम हिज मार्ची होम. हु लगता है एक व्यक्ति का प्रोनाउन, हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन एक व्यक्ति का, विच होता है वस्तु का. तो कई साल पहले डैनिश किंगडम में, डैनिश राजधानी में, ये हु व्यक्ति का प्रोनाउन, व्यक्ति कहां है. किलमाने मारना वर्ब है, देन कंजंक्शन आएगा नहीं, वुड बी वर्ब है. तो यहां देखिए लिव्ड, रहता था एक ग्रूसम, ग्रूसम मतलब होता है क्रूर, क्रूर मतलब क्रूर, राक्षस टाइप, एक ग्रूसम मॉन्स्टर तो सुना है बेटा, जिसका नाम था ग्रैंडल. तो बहुत साल पहले डेनिश किंगडम में रहता था एक ग्रूसम, एक मतलब मॉन्स्टर, दानव, बहुत ही भयानक, जिसका नाम ग्रैंडल था. ये आ गया व्यक्ति जिसके लिए हु लगाया था. और हम तो बता चुके हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहां आता है, अपने नाउन के आगे. तो यहां पर हमने लिया लॉन्ग एगो इन अ डैनिश किंगडम एक ग्रूसम बहुत बड़ा दानव रहता था ग्रैंडल, हु राइजिंग फ्रॉम हिज मार्शी होम. बेटा मार्शी होता है दलदली, जहां कीचड़ दलदल होता है. अब यहां ये मार्शी किसके लिए लगाए, कैसा होम, दलदली. तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन. ठीक है, चलिए ग्रामर बाद में देखेंगे. जो अपने दलदली घर से, जहां मतलब सब जगह दलदल था, गंदगी थी, वहां से उठकर, राइज, वहां से उठेगा. अब उठने के बाद क्या करेगा, देन मत लगाना बेटा अभी. ठीक है, क्या आएगा वर्ब, जो अपने मार्शी होम से उठकर क्या करेगा, उठकर बेटा एक एक्शन ही करेगा ना, क्या करेगा उठकर, वुड नाइटली रोम, रात को यहां वहां घूमेगा. कंट्री साइड होता है देहात, शहर के आसपास का हिस्सा, राजमहल के आसपास का हिस्सा. ठीक है,
समझ में तो आ गई होगी पूरी पिक्चर। तो यहाँ मैंने छोटी सी ट्रिक फिर से देखी। दानिश किंगडम में अब यहां मैं देख रहा हूं व्यक्ति का प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन तो आप जानते हो बेटा कहाँ आता है, अपने नाउन के बाद में आता है। तो मैंने पहले हु को नहीं लिया बेटा, पहले मैंने इस सेंटेंस को लिया। दानिश किंगडम में कौन रहता था बेटा, एक ग्रूसम मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रेंडल था। बस कहानी पूरी जुड़ गई आपकी। उसके बाद ये हमने हु लिया। तो पहले मैंने लिया बेटा एस। एस कितने में बेटा, दो में एस है। अब एस के बाद क्या आ रहा है, ग्रेंडल हु राइजिंग फ्रॉम हिज। बेटा प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के निकट आता है, तो एस के बाद मुझे आर चाहिए। यहां से कहानी गलत जा रही है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन फिर से आ गया। तो एस आर मार्शी होम। इसके बाद वो क्या करेगा बेटा, वो वॉक करेगा। तो पी, अब ये पूरी कहानी अपने आप सेट हो जाएगी क्योंकि हमने ग्रामर सही लिया है। एस आर पी, वो रात को घूमेगा बेटा। देन ये आ गया कंडीशन, तो पहले घूमेगा और उसके बाद वुड स्टॉक। बेटा स्टॉक होता है किसी का भी पीछा करना बुरे इरादे से। और उसके बाद वो स्टॉक करेगा राजा के महल की तरफ, नजरे गड़ाएगा मतलब वहां देखेगा सब लोगों को, और सबसे लास्ट में उन लोगों को मारेगा जितने ज्यादा लोग उसके हाथ लग सकते हैं। पूरी कहानी बन गई। देखो ये देन आ गया, जब दो एक्शन एक साथ होते हैं, दो वर्ब एक साथ जुड़े से, पहले मैं आया आई केम एंड देन आई आस्क फॉर यू, तब मैंने आपके बारे में पूछा एंड देन आई कॉल यू, उसके बाद मैंने आपको कॉल किया। देख लो देन मैंने कैसे लगाया, पहले एक सेंटेंस लिया मैं आया उसके बाद, तो ये देन इन दोनों जोड़ेगा। ठीक गाइस, ये बन गया आपका डी एस आर पी क्यू, दैट्स इट। अब नेक्स्ट आ जाइए। इस तरह से कहानियां जोड़ी जाती है बेटा, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ। एक भी सेंटेंस ऊपर नीचे हुआ तो आप सोचिए, अगर आप 10 सेंटेंस अरेंजमेंट करके आते हैं एसएससी सीजीएल में या बैंकिंग में, दो चार आते हैं आपके, एक दो गलत क्यों हो जाते हैं, है ना? आप तो बताते हो ना आकर सर पेपर अच्छा है। अरे आपके कहने से क्या होता है, सही मार्क्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, पर कई बच्चों को मैंने बोलते हुए देखा है सर इंग्लिश बहुत अच्छा गया। अरे बहुत अच्छा गया तो सिलेक्शन क्यों नहीं है? ठीक है, थोड़ा इसको बुरा मत समझिए, मेरा कहने का मतलब भले कम करके आइए पर एक्यूरेट करके आइए, चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के आपके। आइए बच्चों, अब देखिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है बेटा, एक फीलिंग है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब होती है दो, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैप्पीनेस इज द फीलिंग। अब कैसी फीलिंग है, इज द फीलिंग ऑफ ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ। अब देखो बेटा इसमें दो चीज ध्यान दीजिए, यहां पर देखा है डिस्कम्फर्ट पेन नेगेटिव लिखा है, और हैप्पीनेस शुरू हुआ है पॉजिटिव से। तो हमेशा ध्यान दीजिए जब दो टॉपिक आ जाए, दो पहलू आ जाए, तो एक पहलू के नीचे उससे मिलते जुलते वर्ड, उससे कनेक्टेड वर्ड, और दूसरे के नीचे उससे कनेक्टेड। अब हैप्पीनेस एक पॉजिटिव है, तो जो भी पॉजिटिव है उसको उसके नीचे रखना है, वहां तो रख ही नहीं सकते बेटा नीचे, सही बोल रहा हूं ना? तो आइए, हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड रिलीफ। ठीक है, तो आर के नीचे पी आ गया, बन गया बेटा आर के नीचे पी, और आर हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है, हैप्पीनेस से। ठीक है, फिर से एक पूरा क्लॉज बन गया, बना नहीं बना, फिर से एक पूरा क्लॉज बन गया। और देखो उसका प्रोनाउन क्या है, विच। क्या बात है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन आज मजे की बात यह है, मुझे भी बढ़िया लग रहा है जो भी मैंने आज आपको पढ़ाए। ये पांचवा है हमारा, सब में रिलेटिव प्रोनाउन दिया है। बेटा जब सेंटेंस लॉन्ग आते हैं ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन और कन्जंक्शन के बिना आप उनको कनेक्ट नहीं कर सकते, ये मेरी बात ध्यान देना है ना, जो बच्चे मेंस के लिए एग्जाम बैठ रहे हैं। अब पहले एक पूरा वाक्य बनाओ, हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ। उसके बाद उसका प्रोनाउन विच, विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ, अब ऑफ के बाद नाउन आएगा बेटा, तो नाउन क्या है, विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ इंटेंस इनकन्वीनियंस, गेटिंग ना, विच कम्स आफ्टर द फीलिंग्स ऑफ इंटेंस इनकन्वीनियंस ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन। तो ऊपर दो पॉजिटिव और नीचे दो निगेटिव। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमने आर से शुरू किया, देखो बेटा आर से कितने शुरू हो रहे, एक ही हो रहा है। आर के नीचे क्या आया था बेटा, पी आया था, बन गया ना सेट, और एस आ गया और क्यू आ गया, ये हो गया आर पी एस क्यू। ठीक है, तो गाइस कैसा रहा सेशन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, मैंने पहले भी कहा था अभी भी, ये सब आप सॉल्व कर दोगे, बात सॉल्व करने की नहीं है, बात उससे लर्न करने के ट्रिक सीखने की है। आज एक ट्रिक शानदार आपने सीखी, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के पास रहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है बेटा, वर्ब के बाद एडवर्ब को देखो आप, इतने प्यार से मैंने ग्रामर देखी, कहीं भी मैंने एक अनजाने व्यक्ति की तरह, अधपके व्यक्ति, कच्चे व्यक्ति की तरह, नाए अनाड़ी की तरह कहानियां बनाने की कोशिश नहीं की, इसके नीचे ये आना चाहिए वो आना चाहिए।
ऐसे ही पढ़ना शुरू कीजिए, अपनी रीडिंग को मजबूत कीजिए, पढ़ते समय इंग्लिश को फील करिए। गाइस सेकंड सेट में लेकर आ रहा हूं इसका, वो बेसिक से अच्छा रहेगा, इंप्रूव रहेगा, जहां पर आपको और मुझे दोनों को मेहनत लगने वाली है, लेकिन इससे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वॉकअप की वीडियोस रील आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, उसमें जरूर आप हमें रिस्पॉन्स दें कि वॉकअप आप इस जो हम पढ़ा रहे हैं वॉकअप वो ट्रिक्स आपको कितनी अच्छी लग रही है। गाइस धन्यवाद, नमस्कार सभी को, जय हिंद।